हेलो एवरीवन, इन टुडेज 12th कॉमर्स ओसी लेक्चर. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5. सो लेट अस स्टार्ट विद द टेक्स्ट बुक. वी आर ऑन पेज नंबर 95. यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल सी द नेम ऑफ द चैप्टर, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. यस, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. तो जो मोड्स ऑफ बिजनेस है उसके अंदर न्यू चीजें, नॉवेल्टीज क्या क्या हैं, कौन कौन से टाइप के बिजनेस अभी एमर्ज हो रहे हैं, इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में लर्न करने वाले. सो फ्रेंड्स, यहां पर हमको जो न्यू डेवलपमेंट हुए हैं बिजनेस मॉडल्स में उसके बारे में जानकारी मिलेगी और बहुत हद तक हमारे रियल लाइफ में भी ये पर्टिकुलर चैप्टर काम आएगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सबसे पहले ही देखिए, आपके सामने टॉपिक रख दिया है ई बिजनेस. विच बिजनेस? ई बिजनेस. सो ई बिजनेस, इसको हम क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. विच बिजनेस? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. द न्यू मंत्रा ऑफ द डे इज ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन साइकिल, टाइम्स, स्पीड एंड कॉम्पिटेटिवनेस. देखो क्या बता दिया, न्यू मंत्रा बताया किसके लिए? बिजनेस के लिए. न्यू मंत्रा ऑफ द डे इज ग्रोथ. पहली बात किसकी की गई है? ग्रोथ की गई है. फिर ग्लोबलाइजेशन साइकिल, टाइम, एंड देन स्पीड एंड कॉम्पिटेटिवनेस. कौन से स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं, कितना कॉम्पिटिशन है. ठीक है, तो ये न्यू मंत्र है. न्यू मंत्र किसको बात कर रहे हैं यहां पर? बिजनेस डेवलप करने का. ई बिजनेस इज एन एब्रीविएशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. तो ये वर्ड जो आया इसमें, एब्रीविएशन. एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, है ना, शॉर्ट फॉर्म. तो कोई भी चीज का हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एब्रीविएशन. जस्ट लाइक बीके में हम लोग ओल्ड बैड डेट्स को बोलते हैं ओबीडी, न्यू बैड डेट्स को बोलते हैं एनबीडी. तो व्हाट वी आर यूजिंग? एब्रीविएशन. तो यहां पर ई बिजनेस मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. इन 1997 IBM started using the term e-business. IBM कौन? एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके ऑर्गेनाइजेशन है. क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. बेसिकली ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डील करता है, उससे रिलेटेड गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है. जस्ट लाइक कंप्यूटर्स हैं, देन CPUs हैं, फिर कीबोर्ड्स आप बोल सकते हो, डेस्कटॉप PCs बोल सकते हो, है ना, जो भी उससे रिलेटेड एसेसरीज होता है वो IBM बनाता है. तो सबसे पहले 1997 में IBM ने ये वर्ड दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम. कौन सा वर्ड? ई बिजनेस. कौन सा वर्ड? ई बिजनेस. तो ई बिजनेस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. टिल दैट टाइम द वर्ड ई कॉमर्स वॉज यूज्ड. तब तक उसके पहले कौन सा वर्ड यूज होता था? ई कॉमर्स, ये वर्ड हम यूज करते थे. E-business means using the internet to connect people and process. मतलब क्या? देखो business वही है, but आप क्या कर रहे हैं? आप business को internet से connect कर रहे हैं. Business को किससे connect कर रहे हैं? Internet से connect कर रहे हैं. For example, आपका sweets का shop है ना, हलवाई की दुकान होती है ना, sweets का shop है. तो आप पहले स्वीट्स बेचते थे, आज भी वैसे ही बेच रहे हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया उसके अंदर? आपने एक और चीज ऐसी ऐड कर दी कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक भी स्वीट्स बेच सकते हैं. आपने अपना खुद का वेबसाइट बनाया या किसी और के वेबसाइट के थ्रू अपने जो स्वीट्स हैं उनका फोटो निकाल करके उस पर अपलोड किया, प्राइसिंग रखी, लोगों का वहां पर ऑर्डर आता है और आप पैकिंग करके उनके जो एड्रेसेस हैं वहां पर सेंड करते हो. तो बिजनेस आज भी आपका किसका है? हलवाई का है, स्वीट्स का शॉप है आपका. बट आपने ये जो मोड जो फेस टू फेस होता था अब उसको चेंज करके क्या कर दिया है? इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है. अब आपको आपके वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर मिलते हैं और आप सिर्फ क्या करते हो? पेमेंट रिसीव करते हो और ऑर्डर पार्सल कर देते हो.
ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ई बिजनेस। इट ओपन्स न्यू डोर टू कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड, तो दुनिया में कस्टमर के लिए बहुत सारे नए दरवाजे खुल गए। ई बिजनेस एस्टेब्लिशेस मोर क्लोजर एंड रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप विथ पार्टनर्स एम्प्लॉय एंड सप्लायर्स। देखो सबकी बात कर रहे हैं यहां पर। ई बिजनेस एस्टेब्लिशेस मोर क्लोजर एंड रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप और नजदीक आए हैं जिसमें रिस्पॉन्स बढ़ा है, किसके साथ, पार्टनर्स के साथ, एम्प्लॉय के साथ एंड सप्लायर्स के साथ। क्योंकि जब आप ई बिजनेस में डील करते हो ना, तो आपकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, आपके पार्टनर को भी पता चलेगा बिजनेस में क्या चल रहा है, एम्प्लॉय को भी पता चलता है बिजनेस में क्या चल रहा है, सप्लायर को भी पता चलता है बिजनेस में क्या चल रहा है कि नहीं। तो यहां से क्या होता है, यहां से एक क्लोजरनेस बढ़ता है, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ता है। इट कनेक्ट्स अडॉप्ट्स एंड इंटीग्रेट्स आईटी सिस्टम, ये क्या कर रहा है, आईटी सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। सो कंपनीज आर एबल टू मैनेज देयर बिजनेस एफिशिएंटली, और इसकी वजह से जो कंपनी फेस टू फेस फिजिकल वे में परचेस सेल करती थी, आज वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या कर रही है, परचेस सेल कर रही है, और बहुत ही एफिशिएंट मैनर में काम कर रही है। कैसे कर रही है, एफिशिएंट मैनर। थ्रू इट द इंटरनेट इट इज पॉसिबल टू इन्वेंट न्यू एंड इनोवेटिव वेज टू एड वैल्यू टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विदाउट नेसेसरीली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, बिना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किए इंटरनेट के माध्यम से हम और कुछ नोवेल्टी उस प्रोडक्ट के अंदर लेकर के आ जाते हैं, कुछ नई सर्विसेस ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए, जैसे पहले होटल इंडस्ट्री चलती थी, रेस्टोरेंट ढाबे वगैरह होते थे, वो चलते थे, और आज स्विगी जैसा प्लेटफॉर्म है, जोमेटो जैसा प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इसको क्या कर दिया, ई बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। अब आप घर बैठे बैठे अपने फूड को क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, और पेमेंट वगैरह भी सब ऑनलाइन पॉसिबल है कि नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, इट एक्चुअली कनेक्ट्स, क्या करता है, कनेक्ट करता है, अडॉप्ट करता है और इंटीग्रेट करता है सिस्टम को, कौन से सिस्टम को, आईटी सिस्टम को, जिसकी वजह से वही बिजनेस, वो जो बिजनेस फेस टू फेस फूड सप्लाई कर रहा था, है ना, आज वो शहर के कोने कोने तक फूड सप्लाई कर रहा है, और जिसकी वजह से उसके नंबर ऑफ कस्टमर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। गेटिंग इट, थ्रू द इंटरनेट इट इज पॉसिबल टू इन्वेंट न्यू एंड इनोवेटिव वेज टू एड वैल्यू टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेस विदाउट नेसेसरीली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो इंटरनेट की मदद से आप क्या करते हैं, अभी देखो जैसे बैंकिंग सिस्टम है, आप पहले बैंक में जाते थे, कैश विड्रॉ करना है, कैश डिपॉजिट करना है, चेक डिपॉजिट करना है, बैंक स्टेटमेंट लेना है, कितने सारे काम रहते हैं बैंक में। लेकिन बैंक ने क्या किया, आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी दे दी, तो घर बैठे बैठे आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। आपको स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट के लिए आप वहां पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, तो आपको स्टेटमेंट आ जाएगा। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का आपको मैसेज आ सकता है। आपको घर बैठे बैठे फिक्स डिपॉजिट करना है, तो अपने सेविंग अकाउंट में से ट्रांसफर कर दो फिक्स डिपॉजिट में। किसी को आपको पेमेंट करना है, तो आपने पेमेंट कर दिया। तो देखो इसमें ना सिर्फ एक्सपेंडिचर किसके ऊपर हुआ, सॉफ्टवेयर के ऊपर, किसके ऊपर हुआ, सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने एप्लीकेशन की मदद से सर्विसेज को और इंक्रीज कर सकते हैं। गेटिंग इट, तो यही फायदा है ई बिजनेस का। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रेफर्स टू द यूज ऑफ वेब, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और सम कॉम्बिनेशन देयर ऑफ टू कंडक्ट बिजनेसेस। तो यहां पर ये सबका कॉम्बिनेशन है ना, वेब पोर्टल जो होता है वेबसाइट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, इंट्रानेट मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो इंट्रानेट लगा दिया, सपोज आपकी सोसाइटी आपके बिल्डिंग में वो जो वायरिंग की गई है तो उससे बाहर वो काम नहीं करता, तो उसको बोलेंगे इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट मतलब जो बाहर से आया है उससे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रानेट, है ना, कनेक्टिविटी और द कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, और इन सब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन ई बिजनेस में यूज होता है या हो सकता है। E-business is not a technical change. E-business कोई technical change नहीं है। देखो मैंने आपको वही बताया starting में। Restaurants पहले जो खाना बना रहे थे अभी भी वही खाना बना रहे हैं और वैसे ही बेच रहे हैं। सिर्फ
मोड ऑफ बिजनेस क्या हो गया है, चेंज हो गया, ऑर्डर लेने का तरीका, डिलीवरी करने का तरीका बदल गया है कि नहीं। स्वीट्स का शॉप आपने खोला तो पहले भी आपने वो शॉप ओपन करके रखा था, लोग आते थे परचेस करके जाते थे, अभी थोड़ा सा मोड चेंज हो गया, टेक्निकलिटी वही है, आप अभी भी स्वीट्स वैसे बनाते हो, उसमें कोई चेंज नहीं है, आपने सिर्फ ये जो कस्टमर से इंटरेक्शन का तरीका है उसको बदल दिया। तो यहां पर यही बता रहे हैं, देयर इज नॉट अ टेक्निकल चेंज, वहां पर कोई टेक्निकल चेंज नहीं है, इट इज अ फंडामेंटल चेंज इन द वे ऑफ बिजनेस बी डन एडेड सपोर्टेड एंड एनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी। तो यहां पर एक फंडामेंटल चेंज है, मतलब बेसिक चेंज है, यहां पर जहां पर हम बिजनेस करते हैं उसमें कोई एडिशन करना है, कोई सपोर्ट चाहिए, या टेक्नोलॉजी को कैसे एनेबल करना है, ये सारी बातें ध्यान रखी जाती। द इंटरनेट एंड द वेब सपोर्ट टुगेदर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज इन सेलिंग कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये जो हमारा वेब का सपोर्ट होता है या इंटरनेट फैसिलिटीज वगैरह होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती है सेलिंग के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेस डिजाइन, यूजर सपोर्ट, जियोग्राफिकल एक्सपांशन, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। तो सप्लाई चेन इंटीग्रेशन में भी हमें मदद मिलती है। दिस इज नथिंग बट बिजनेस ऑन इंटरनेट। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो इसे क्या बोलेंगे, बिजनेस ऑन इंटरनेट। टेक्नोलॉजी इज मूविंग फास्ट टू मेक थिंग पॉसिबल टुमारो विच सीम्स पॉसिबल टूडे, है ना। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, टेक्नोलॉजी इज मूविंग फास्ट टू मेक थिंग्स पॉसिबल टुमारो। कल को जाकर के जो चीज आज हम सोच रहे हैं वो क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी, है ना। आज हमारे लिए क्या है, वो आज हमारा वो ड्रीम है, और कल टेक्नोलॉजी की मदद से वो क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो आज की तारीख में वो हमारे लिए ड्रीम है, मतलब क्या है, इम्पॉसिबल, क्या है वो, इम्पॉसिबल आज की तारीख में, बट कल की तारीख में वो क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, ओके। सो व्हाट इज मीनिंग द टर्म ई बिजनेस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। मतलब पहले ये जो वर्ड यूज होते थे ई मेल, ई कॉमर्स, और वैसे ही फिर ये वर्ड आ गया ई बिजनेस, ठीक है। ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया द इंटरनेट। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कंडक्टिंग बिजनेस वाया द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कंडक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसी को क्या बोला जाता है, ई बिजनेस बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया द इंटरनेट। दिस वुड इंक्लूड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेस अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग टेक्निकल और कस्टमर सपोर्ट थ्रू द इंटरनेट। इसमें ये सारी चीजें आ गई, चाहे आप ट्रांजेक्शन की बात करो, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेस, या आप कुछ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, ठीक है ना। तो ये भी ई बिजनेस का ही हिस्सा है। द कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस एमर्ज्ड व्हेन आईबीएम कॉइन्ड द टर्म इन द लेट 90s। कॉइन्ड द टर्म मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया ये जो वर्ड था ई बिजनेस। द पर्पस वॉज टू प्रोवाइड बायर अ प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट टू बाय एंड सेल गुड्स। तो इंटरनेट के ऊपर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसके थ्रू हम गुड्स को परचेस या सेल कर सकते हैं। आज की तारीख में देखो जो बिग बिजनेस जायंट्स हैं, जैसे हम अमेजोन का नाम ले लें, फ्लिपकार्ट का नाम ले लें, देन टाटा क्लिक इज देयर, है ना, स्नैपडील इज देयर, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े जायंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये ई बिजनेस की मदद से ही चल रहे हैं। उनका खुद का इतना बड़ा बड़ा ऑफिस स्टोर रूम नहीं है, है ना। तो आप जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं वो उस ऑर्डर को अरेंज करके पर्टिकुलर सेलर के थ्रू वो गुड्स आप तक पहुंचाया जाता है। तो वो सेलर को बायर से कनेक्ट भी कर रहे हैं, है ना। अभी अमेजोन के बहुत सारे प्रोडक्ट उसके खुद के नहीं है, उसने क्या किया है, सेलर्स के साथ कनेक्ट किया है। आपका भी कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को अमेजोन से कनेक्ट कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से कनेक्ट कर सकते हो, और डायरेक्टली कस्टमर तक रीच कर सकते हो। गेटिंग इट।
Some people use the term e-business and e-commerce interchangeably. मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बार हम लोग e-business और e-commerce दोनों को सेम समझते हैं, बट दोनों सेम है नहीं. दे आर नॉट synonymous. दोनों सेम नहीं है, समानार्थी शब्द नहीं है. E-commerce refers to buying and selling online, while e-business encompasses all business conduct online. ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है, e-business का मतलब क्या होता है, सॉरी e-commerce का मतलब क्या होता है, buying and selling online. वहां पर हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं buying और selling पे. But when we talk about e-business, it encompasses all business conducted online. पूरा का पूरा business ही आप online चला रहे हो. तो e-commerce जो है वो क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ e-business, है ना, वो क्या है, ब्रांच है. तो देखो ऐसे भी इन 11th स्टैंडर्ड में जब हमने ये टर्म पढ़ा था, विच टर्म वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, है ना, सिर्फ बिजनेस की बात करता हूं. अभी फिलहाल उसमें ई वर्ड निकाल दो, तो जो बिजनेस वर्ड था 11th स्टैंडर्ड में, ये जो बिजनेस है इसको हमने क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था. याद आता है आप लोग को, बिजनेस को कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक था इंडस्ट्री और दूसरा था कॉमर्स. ठीक है, जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, इंडस्ट्री किससे रिलेटेड थी, प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से. ठीक है, और कॉमर्स का जहां तक बात आता है तो कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था, किससे, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है, सेलिंग. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेलिंग, बराबर है. तो यहां पर भी बिजनेस क्या था, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, और कॉमर्स क्या था, नैरोअर कॉन्सेप्ट. मतलब बिजनेस इंक्लूड कॉमर्स, बिजनेस इंक्लूड कॉमर्स. ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अभी सिर्फ इसके आगे क्या लग गया, ई, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स. तो दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है. आज की भी तारीख में व्हेन वी टॉक अबाउट ई कॉमर्स, ठीक है ना, तो यहां पर ई कॉमर्स में सिर्फ क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन. जबकि ई बिजनेस, ई बिजनेस में क्या हो रहा है, यहां पर ई बिजनेस में पूरा का पूरा बिजनेस है ना, ऑल बिजनेस कंडक्टेड ऑनलाइन, पूरा बिजनेस क्या हो जा रहा है, ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए. जस्ट लाइक कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन टेक्निकल वे में वैसे ही कर रहा है, बट बाइंग और सेलिंग वो किस पे करता है, इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, तो वो ई कॉमर्स का यूज कर रहे हैं. किसका यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स. बट आपकी सारी एक्टिविटीज, हाँ, स्टार्ट टू एंड सब कुछ अगर आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है ई बिजनेस. क्या बोला जाता है, ई बिजनेस. ठीक है ना, ऑल बिजनेस कंडक्टेड ऑनलाइन. नाउ व्हाट इज स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का स्कोप क्या है. The scope of e-business is not restricted to only online shopping. So, sirf online shopping tak hi ye simit nahi hai. It also includes online stock transaction and the use of software. To kya baat ho gayi iske andar? Ki jab hum e-business ki baat kar rahe hain to iska scope sirf online shopping tak limited nahi hai. It includes online stock transaction and the use of software. Software ka istemal karna, ऑनलाइन स्टॉकिंग करना, है ना, कितना क्या कैसा मेंटेन है वो सब पता करके रखना, ये सब ई बिजनेस में आ गया. इन इंडिया टिल नाउ बिजनेस इज मैनेज्ड थ्रू ट्रेडिशनल मेथड. इंडिया में तो अभी तक देख रहे हैं ज्यादातर बिजनेस ट्रेडिशनल मेथड से ही चलाए जाते हैं. नाउ मेनी बिजनेसेस आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस एंड आर इनकॉर्पोरेटिंग दिस इनटू देयर स्ट्रेटेजी. तो धीरे धीरे बिजनेस हाउसेस को समझ में आ रहा है कि ई बिजनेस से बहुत फायदे हैं और वो भी अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं ई बिजनेस में.
It also help in better communication between business house and makes purchasing easier for large organization. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बेटर कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में, जो बिजनेस हाउस है, एंड मेक्स परचेसिंग इजियर फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. तो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए परचेस करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है. मतलब आप डायरेक्टली बिजनेस हाउस से कनेक्ट हो सकते हैं. बिजनेस हाउस इन द सेंस क्या हो जाता है, जो मैन्युफैक्चरर है ना, उससे आप डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं. We have mentioned above that the scope of e-business is quite vast. Almost all types of business functions such as production, finance, marketing and personal administration as well as managerial activity like planning, organizing and controlling can be carried out over computer network. आजकल सारी चीजें related to business हम computer network पर कर सकते हैं. अब आप देखिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको टीचिंग कर रहे हैं, है ना, ये भी इसका एक क्या आ गया, पार्ट आ गया कि टीचिंग भी ऑनलाइन प्रोवाइड की जा सकती है. द अदर वे ऑफ लुकिंग एट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज टू एग्जामिन इट इन टर्म्स ऑफ पीपल और पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन. क्या बता रहे हैं, लुकिंग एट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस, अगर हम लोग ई बिजनेस के स्कोप पे देखें, is to examine it in the terms of people or parties involved in electronic transaction. तो ये examine कर रहे हैं हम लोग कि कितने लोग electronic transaction के अंदर involved होते हैं. India जैसे country में जहां पर आपको दिखता है कि बहुत सारे लोग poverty से जूझ रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या scope है e-business का India के अंदर, तो आपको यहां पर एनालिसिस करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा कि कितने लोग टेक्नो सेवी हैं और इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से गुड्स को परचेस सेल कर सकते हैं, बराबर. तो उसके हिसाब से इसका स्कोप दिखेगा. आप देख सकते हैं कि जिस कंट्री में टेक्नोलॉजी या इंटरनेट वेबसाइट ज्यादा बेटर होता है वहां पर ई कॉमर्स ई बिजनेस ज्यादा डेवलप होता है कि नहीं. तो डिपेंड करता है कि वहां का जो इंटरनेट फैसिलिटी है, जिसे हम नाम दे सकते हैं इन 2G, 3G, 4G, 5G, है ना, ऐसा जो फैसिलिटीज है, जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा स्कोप ई बिजनेस का डेवलप होता है. वेरियस बिजनेस एंड पेमेंट ऐप पॉपुलरली यूज्ड इन ई बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फोन पे, गूगल पे, स्विगी, ओला एटसेट्रा. तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल दे दिए गए जो ई बिजनेस के तौर पर काम करते हैं और हम भी इनसे फैमिलियर हैं, ठीक है. व्यूड फ्रॉम दिस प्रोस्पेक्टिव अ फर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस एंड नेटवर्क कैन बी विजुअलाइज एज एक्सटेंडिंग इनटू सिक्स डायरेक्शन एज फॉलोज. तो इसे देखा जाए तो सिक्स डायरेक्शन में आपका स्कोप जा सकता है, आपका बिजनेस रन कर सकता है. तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएशन में कैसे यूज करते हैं, देखो B2B किसको बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस. B2C बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर. C2B कंज्यूमर टू बिजनेस. C2C कस्टमर टू कस्टमर. B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड C2A कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये कुछ वे बताए गए हैं जहां पर हमको स्कोप पता चलेगा कि ई बिजनेस का स्कोप क्या है. बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें से कोई एक चीज 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है. तो बहुत ही ध्यान से सुनिए. मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट वन, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस. वन बिजनेस हाउस इज ट्रांजेक्टिंग समथिंग विथ अनदर बिजनेस हाउस. मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, हैंडल कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके साथ.
In this form, the buyer and seller are both business entities and do not involve individual consumers. So buyer or seller, dono kya hai? Dono hi business hai. Dono kya hai? Business. Here both the parties involved in the e-commerce transactions are business firm and hence the name B2B, that is business to business, is given. So dono hi party, buyer and seller, dono hi kaun hai? Business hai. Dono hi kaun hai? Business hai. सर ऐसा कैसा बिजनेस है, मतलब बायर भी बिजनेस वाला है और सेलर भी बिजनेस वाला है, ठीक है ना? तो उसके बारे में रीड करते हैं। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म कम अंडर दिस कैटेगरी। तो जो बिजनेस फर्म के बीच में ट्रांजैक्शन होता है वो इस कैटेगरी में आता है। बिजनेस फर्म्स इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ में बहुत बार इंटरेक्शन करता है, पूछताछ करता है, अपने आइडियाज को शेयर करता है, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ सर्विसेज के लिए। दिस इंक्लूड सप्लाइंग एंसिलरी पार्ट्स कंपोनेंट्स टू द मैन्युफैक्चरर, प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक केटरिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग मैन पावर, ठीक है ना? तो इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस, ये वर्ड से आपको क्या समझ में आया? इसमें बायर और सेलर है ना, मतलब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर दोनों कौन है? बिजनेस है। तो फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर। तो मैं एक बिजनेस हूं। अब मेरी कंपनी को मेरे एम्प्लॉय के लिए केटरिंग सर्विस चाहिए। केटरिंग सर्विस मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे ऑफिस में कैंटीन हो, या कैंटीन ना भी हो तो मैं किसी दूसरे बिजनेस जो केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है उससे बात करके उसके सर्विसेज को यूज करो, ठीक है? तो मैं भी बिजनेस हूं और वो भी बिजनेस है, तो मैं उसका सर्विसेज को क्या कर रहा हूं? इस्तेमाल करता हूं। तो मैं कौन हो गया? बायर। और वो जो केटरिंग प्रोवाइड कर रहा है ना, कैंटीन सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो कौन हो जाएगा? सेलर। एग्जाम्पल नंबर टू, सपोज मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूं। कौन हूं? कार मैन्युफैक्चरर। और मुझे मेरी कार के लिए कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उससे चाहिए, है ना? जो भी कोई उसमें स्पेयर पार्ट्स लगते हैं कार के अंदर, वो मैं खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, मैंने किसी और को दे रखा है, तो उससे मैं बाय करता हूँ। तो मेरा भी बिजनेस है, उसका भी बिजनेस है। तो मेरा बिजनेस, उसका बिजनेस, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, ये हमारे बीच का ट्रांजेक्शन है, ठीक है? तो यही अगर इंटरनेट के माध्यम से हो, वेबसाइट के माध्यम से हो, तो उसे ई बिजनेस या ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन में पुट कर दिया जाएगा। तो क्या क्या आ गया इसमें? सप्लाइंग एंसिलरी पार्ट मतलब रिलेटेड पार्ट और कंपोनेंट आ गया टू द मैन्युफैक्चरर्स, प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज, कुछ सर्विसेज वगैरह आपको प्रोवाइड करनी है लाइक केटरिंग एंड आल्सो प्रोवाइडिंग मैन पावर, है ना? मैन पावर, जैसे अभी देखो बहुत सारी एजेंसी होती है, सपोज हमारी पर्टिकुलर एक सोसाइटी है या हमारी हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस जो है बड़ी बिल्डिंग है, और उसके लिए हमें कौन चाहिए? हमें जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो चाहिए। तो सिक्योरिटी गार्ड्स वो हमें चाहिए, उनकी सर्विसेज चाहिए, तो इसके लिए हम किसको अप्रोच करेंगे? जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करने की एजेंसीज होती है ना, उनसे हम बात करेंगे। तो वो जो एजेंसी है हमारे बिजनेस को क्या देंगे? सिक्योरिटी गार्ड देंगे। तो हम भी बिजनेस है, वो भी बिजनेस है। तो ट्रांजेक्शन किसके बीच में है? बिजनेस टू बिजनेस। पॉइंट नंबर टू इज बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब जहां पर बिजनेस का डीलिंग किसके साथ हो रहा है? कस्टमर के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? कस्टमर के साथ। सो लेट अस रीड। कस्टमर आइडेंटिफाइज अ नीड एंड सर्चेस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड। सही बात है, कस्टमर सबसे पहले देखता है कि उसकी खुद की नीड क्या है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को सर्च करता है, ऐसा प्रोडक्ट जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। कस्टमर सिलेक्ट अ वेंडर, वेंडर मतलब सेलर, एंड नेगोशिएट अ प्राइस, और उसके साथ में प्राइस का बार्गेनिंग करता है। नेगोशिएशन मतलब बार्गेनिंग। कस्टमर रिसीव्स द प्रोडक्ट और सर्विसेज, मेक्स पेमेंट, गेट सर्विसेज एंड वारंटी क्लेम्स। तो कस्टमर को ये सब सर्विसेज मिल जाती है। एज द नेम इंप्लाइज बी टू सी ट्रांजेक्शन हैव बिजनेस फर्म एट वन एंड एंड इट्स कस्टमर ऑन द अदर एंड, जो जनरली हमारे साथ में होता है। हम कौन है? हम कस्टमर है, ठीक है ना? और हम बिजनेस को अप्रोच करते हैं ताकि हम अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सके। जस्ट लाइक आपको भूख लगी है और आप कहाँ चले गए? यू आर हंग्री एंड यू विजिटेड अ रेस्टोरेंट,
तो आप रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट कौन है बिजनेस, आप कौन है कस्टमर, क्लाइंट है ना। तो आपके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा वो क्या होगा, बी टू सी का। द ट्रांजेक्शन अंडर बी टू सी आर बिटवीन बिजनेस फर्म एंड कंज्यूमर। फर्म्स यूज देयर साइट्स फॉर अ रेंज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। दिस इंक्लूड प्रमोशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, रिव्यूज अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एट द डोर स्टेप। मतलब यहाँ पर बिजनेस क्या करता है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रमोशन हो गया, रिव्यूज हो गया, वो कस्टमर तक इंटरनेट के थ्रू पहुंचाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज इज केप्ट लो थ्रू दिस मेथड एंड द स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो फास्टर। फॉर एग्जाम्पल www.flipkart.com। तो देखो यहाँ पर फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, स्नैपडील है, टाटा क्लिक है ना। तो ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन है ये डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच करते हैं, तो इनका कॉस्ट बच जाता है। जो मिडलमैन है बीच में, जो बिचौलिए हैं, उनको शेयर देने की जरूरत नहीं है, उनको प्रॉफिट में हिस्सा देने की जरूरत नहीं है, तो इससे कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आज की तारीख में आप देखेंगे कि जो हमारे रिटेलर हैं है ना, जो फेस टू फेस सेल करते हैं, उनसे भी कम प्राइस हमको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। तो ये किसके कारण है, क्योंकि वहां पर उनका कॉस्ट सेव हो जाता है, कॉस्ट बच जाता है। ठीक है, थर्ड वन, कंज्यूमर टू बिजनेस। अभी देखो ये रिवर्स हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर था, अब कंज्यूमर टू बिजनेस। इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। यहां पर क्या हो रहा है, जो कस्टमर है वो बिजनेस को अप्रोच करता है कोई स्पेसिफिक सर्विस के लिए। कंज्यूमर टू बिजनेस इज अ ग्रोइंग अरेना वेयर द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से कोई वो स्पेसिफिक सर्विस डिमांड करता है। इट एनेबल बायर टू कोट देयर ओन प्राइस फॉर स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पर बायर क्या करता है, अपने हिसाब से प्राइस डालता है कि मेरा बजट इतना है। जैसे देखो सुलेखा.com है या justdial.com, आप लोग ने सुना हुआ है। अभी मुझे घर में पेंटिंग कराना है, कलरिंग कराना है, तो मेरा सपोज बजट है 25,000 रुपीज का। तो मैं सुलेखा.com पे सर्च करूंगा, justdial.com पे सर्च करूंगा, ठीक है ना। तो एज अ कस्टमर मैंने सर्च किया, मेरा बजट बताया, तो वहां से मेरे को बहुत सारे क्या आ जाएंगे, कॉल्स आएंगे, ऑफर्स आएंगे कि सर हमारे पास इतने सारे पेंटर्स का रेंज है, सबका ये इतना प्राइसिंग है, बराबर है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यहाँ पर कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है, अपना बजट बता रहा है, और उसके हिसाब से बिजनेस क्या कर रहा है, आपको गुड्स और सर्विसेस प्रोवाइड कर रहा है। अ कस्टमर कंज्यूमर पोस्ट इज रिक्वेस्ट विद अ सेट ऑफ बजट ऑनलाइन एंड कंपनीज रिव्यू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड बिड आउट द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, डोर स्टेप फूड डिलीवरी सर्विसेज, है ना। तो ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है या ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें अकॉर्डिंगली प्राइस डिजर्व। अभी आपको ट्रेवल करना है तो देखो टैक्सी सर्विसेज का यहाँ पर बताया। तो आज की तारीख में जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, है ना, इनके अलावा भी आपको कौन मिलता है डायरेक्टली ऑनलाइन, किसका नाम फेमस है, तो इसमें नाम आ जाता है ओला, उबर, मेरू, है ना। तो ऐसे नाम शामिल हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। यहां से आपको अंधेरी ट्रैवल करना है तो आप उबर का एप्लीकेशन भी चालू करोगे, ओला में भी चेक करोगे कौन सा प्राइस ज्यादा फिजिबल है, वो चेक करते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन गो, ठीक है ना। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ओला में आप देखोगे तो आपको टैक्सी कितनी बड़ी चाहिए, कार कितनी बड़ी चाहिए, कितनी सीटर की होनी चाहिए, कितना लॉन्ग ड्राइव आपका है, इवन रिक्शा और बाइक फैसिलिटी भी वो आपको क्या करते हैं, ट्रैवलिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं ओला वाले, है ना। तो कितना एक कस्टमर बेस्ड एप्लीकेशन उन्होंने बनाया है। तो ये हमने देखा कंज्यूमर टू बिजनेस, अब है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे quicker.com सेकेंड हैंड प्रोडक्ट के लिए, है कि नहीं, क्विकर। और एक है जो फेमस है जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल करता है, बोलिए, ठीक है ना। तो OLX है, क्विकर है, यहां पर एक कस्टमर अपना प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर को क्या करता है, सेल कर सकता है, इवन सेलर भी कर सकता है, बट हमने जो प्रोडक्ट यूज किया है तो हम भी कस्टमर ही हुए ना,
यूज करने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कस्टमर टू कस्टमर का। इट फैसिलिटेट द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पीपल। कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स थ्रू सम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब यही जो बीच में आ गए, OLX, Quikr। अ कॉमन कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम फॉर द सेल एंड अदर कंज्यूमर बिड टू परचेस इट। दूसरा कस्टमर क्या करता है, उसका बिडिंग करता है, बोली लगाता है। आजकल देखो फेसबुक जैसा जो प्लेटफॉर्म है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, किसको कुछ सेल करना है ना वो फेसबुक पे भी पुट कर देता है, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, आई वॉन्ट टू सेल माई फर्नीचर। तो दूसरे जो लोग फेसबुक पे हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, परचेस कर सकते हैं। लोग व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ प्लेटफॉर्म, है कि नहीं। तो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर पा रहा है। द साइट्स आर ओनली इंटरमीडियरी। साइट्स इसमें क्या हो जाते हैं, सिर्फ बिचौलिए हैं, उनको कुछ इसमें मिल नहीं रहा, जस्ट टू मैच द कंज्यूमर। एक कस्टमर को दूसरे कस्टमर से क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। द इंटरनेट अलाउज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर कंज्यूमर ग्रुप्स टू बी फॉर्म। तो इंटरनेट ऐसा बहुत सारा कंज्यूमर ग्रुप्स का फॉर्मेशन को स्पेस प्रोवाइड करता है, जहां पर बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। दिस फोरम्स आर वेरी इंटरक्टिव। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू सच ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल ईबे। तो ईबे करके एक वेबसाइट है जिसके थ्रू कस्टमर्स के ग्रुप बनते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और कभी कभी अगर कोई कंप्लेन भी होता है किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या सेलर के खिलाफ, तो यहाँ पर रिड्रेसल भी वो लोग करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया ईबे का। पॉइंट नंबर फाइव क्या है, इट इज बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, दिस पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स encompasses ऑल ट्रांजेक्शन कंडक्टेड ऑनलाइन बिटवीन बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गेटिंग परमिट्स, है ना। मतलब अभी सपोज आपको लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो आप किसको अप्रोच करोगे, लाइसेंस अथॉरिटी को। क्या ऑनलाइन अप्रोच किया जा सकता है, यस बिल्कुल किया जा सकता है। तो ऐसे ही जो बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन चाहिए, टैक्स पे करना है, परमिट चाहिए, तो ये सब भी ऑनलाइन हो सकता है। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर, ठीक है। सिमिलरली जैसे बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वैसे कस्टमर भी जा सकता है। कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल encompasses ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग पासपोर्ट, आधार कार्ड, लाइसेंस एक्सेट्रा। तो ये भी काम आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन, है ना। तो इवन बहुत सारी चीजें अभी देखो, आजकल तो ट्विटर भी है ना। आजकल कैसा होता है, मैंने कई बार देखा है जो ट्रैफिक पुलिस है तो उसको भी जो इंफॉर्मेशन देना, फॉर एग्जाम्पल कोई कार जो है गलत जगह पे पार्क की हुई है, तो आप उसका एक फोटो निकालो और ट्विटर पे डाल दो और ट्रैफिक पुलिस को उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऑटोमेटिकली आपको ना वहां से कमेंट आ जाएगा कि यस वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस सिचुएशन। तो आप ट्विटर को इस्तेमाल करके ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग इट। तो यहां पर कस्टमर के पास एक पावर आ जाता है कि डायरेक्टली वो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है और काम करा सकता है। चलो ये तो अच्छी बात है, ई बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हमने देखा। लेकिन इसका फायदा क्या, बेनिफिट क्या, ई बिजनेस का फायदा क्या है। द मेन एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस इज पीपल गेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट ऑनलाइन थ्रू कैश एंड डिलीवरी और प्री पेमेंट। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन, आपको परचेस नहीं भी करना है ना, तो किसका क्या प्राइसिंग है, क्या क्वालिटी है, क्या उसमें इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन निकाल सकते हो। आज मार्केट इतना ओपन हो गया, आज की तारीख में तो जो फेस टू फेस परचेस करने जाता है फिजिकली, वो भी पहले ऑनलाइन चेक करता है और शॉपकीपर को बताता है, भाई देखो ऑनलाइन इतने में यहाँ पर मिल रहा है, आप दे रहे हो क्या, है कि नहीं। तो इतना यहाँ पर क्या आ गया है, ट्रांसपेरेंसी, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसके कंटेंट क्या है, सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप उसको
ऑन कैश डिलीवरी कर सकते हो या प्री पेमेंट करके मंगा सकते हो. इन दिस वे सेलर एंड बायर बोथ गेट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म. दोनों को फायदा होता है. ट्रेडिशनली ट्रेडिंग बाय द बायर एंड सेलर इज डन थ्रू थ्री चैनल्स लाइक फेस टू फेस. तो पहले कैसा होता था, फेस टू फेस होता था, या तो मेल करते थे या फोन पे होता था, और कई बार टेलीविजन के थ्रू भी. देखो आजकल की भी तारीख में टेलीविजन पे वो टेलीसेलिंग प्रोडक्ट आ जाता है ना, लोग कुछ ना कुछ उसमें सामान बेचते थे, मिक्सर ग्राइंडर हो गया या कुछ नया टेक्नोलॉजिकल फोन वगैरह आ गया, वो टीवी के माध्यम से सेल करते हैं, फोन के माध्यम से कॉल करके सेल करते हैं. ये तो पहले था ही, बट आज सारी चीजें किससे हो रही है, इंटरनेट के थ्रू हो रही है. द इंटरनेट हैज बिकम द फोर्थ चैनल फॉर ट्रेड. इंटरनेट ट्रेड इज बूमिंग एंड अलाउिंग बिजनेस टू सेल मोर एट अ लोअर कॉस्ट. तो आज की तारीख में इंटरनेट ही बूम पे है और बाकी सारे जो ट्रेड है ना धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. ये ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कौन कर रहा है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या ऐसे भी जो भी वेबसाइट्स हैं, उनका वर्चस्व बढ़ते जा रहा है. लोग इंटरनेट पे ज्यादा सेल कर रहे हैं, है ना, और धीरे धीरे ये रेशियो चेंज हो रहा है. इंटरनेट के ऊपर आपको प्रोडक्ट ज्यादा सस्ता मिल रहा है कि नहीं. दस इंटरनेट ऑफर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ओवर ट्रेडिशनल चैनल एज इट हैज सेम एडवांटेज some advantage or strength. तो कुछ advantage इसके अंदर है, कुछ strength इसके अंदर है, जिसकी वजह से ये possible हो पा रहा है कि इतनी सारी opportunities हमें internet के through मिल रही. तो हम एक एक करके points लेते हैं. सबसे पहला है कि अगर आपको ई-कॉमर्स ई-बिजनेस स्टार्ट करना है तो फॉर्मेशन बहुत ही इजी है. इट इज वेरी इजी टू फॉर्म. आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को ले सकते हो या कोई कंपनी को अप्रोच कर सकते हो जहां पर आपको डोमेन पेज वगैरह लेना है, और बहुत ही कम प्राइस में आप डायरेक्टली ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो. द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट. जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस का फॉर्मेशन क्या होता था, आपको लैंड, बिजनेस, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब देखना पड़ता था, बट यहाँ पर ये सब देखने की जरूरत नहीं है. Whereas to form a e-business is relatively easy to start. E-business क्या है? आपके पास एक स्टोरेज है तो भी चल जाएगा, बाकी सारे काम आपके किसके थ्रू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू. ठीक है. पॉइंट नंबर टू, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. आपको यहाँ पर खर्चा बहुत कम करना है, खुद का फैक्ट्री वगैरह डालने की जरूरत नहीं. आपके पास प्रोडक्ट है और आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड पे डाल दिया, उस पर फोटो निकाल करके उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख करके आप पुट कर दो, जिसको परचेस करना रहेगा रिक्वेस्ट आएगा, कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है. तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाता है, और इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से प्रोडक्ट आप सस्ते में बेच सकते हो, है ना, इसका बेनिफिट कस्टमर को दे सकते हो. इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस एज द स्टोर डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी मैनेज विद लेस मैन पावर. कम व्यक्ति रखोगे तो भी चलेगा. सो इफ ट्रेड डज नॉट हैव मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट बट हैव कॉन्टैक्ट, मतलब नेटवर्क आपका ज्यादा रहेगा, ही कैन डू फैबुलस बिजनेस. तो जिसका कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है ना, और उसके पास उतना स्पेस नहीं रहेगा, तो भी इंटरनेट ई बिजनेस के माध्यम से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है. पॉइंट नंबर थ्री, कन्वीनियंस, मतलब सरलता है, आपके लिए इजी हो जाता है, अनुकूल है ना. पहला तो क्या है, इजी फॉर्मेशन, आप आसानी से उसको एस्टेब्लिश कर सकते हो. दूसरा, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है, और तीसरा, आपके लिए कन्वीनियंट है. इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7/365 days a year, मतलब कभी भी, ऑलवेज इट इज ओपन. जब आपको ऑर्डर करना है तब आप ऑर्डर कर सकते हो. रात को 3 बजे 2 बजे भी किसी को कुछ ऑर्डर करना है वो उस पर ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ऑटोमेटिकली सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है. बिजनेस इज गोइंग ऑन एनी टाइम एंड फ्लेक्सीबिलिटी इज अवेलेबल, है ना. जबकि देखो फिजिकल होगा तो 10 बजे के बाद शॉप बंद हो गया, लेकिन अमेजोन पे परचेस करना है तो कभी भी परचेस करो, 24/7 अवेलेबल है. यस, ई बिजनेस इज ट्रूली अ बिजनेस दैट हैज एनेबल्ड एंड एनहांस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑफर द एडवांटेज ऑफ एक्सेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम, है ना. कहीं से कभी भी किसी भी समय आप क्या कर सकते हो, एक्सेस ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, सेल कर सकते हो. नेक्स्ट है स्पीड.
These benefit becomes all the more attractive when it comes to information. Much of the buying or selling involves exchange of information that internets allow at a click of mouse. एक माउस के क्लिक पे आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है. आप कंपेयर कर सकते हो सेम प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे कितने का बिक रहा है, अमेजोन पे कितने का बिक रहा है, स्नैपडील पे कितने का बिक रहा है, टाटा क्लिक पे कितने का बिक रहा है. सबका प्राइस कंपेयर करके कहां से बेस्ट मिल रहा है वहां से आप परचेस कर सकते हो विद इन फ्यू आवर्स, है ना. विद इन हाफ एन आवर वन आवर के अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा. और फिजिकली आपको अगर करना होगा तो आपको 10 शॉप में चक्कर मारना पड़ेगा. कभी आप देखो अपने मॉम के साथ में मार्केट में शॉपिंग करने जाओ, है ना, तो बेसिकली मदर क्या करती है, एक जगह से प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे, इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे, 10 दुकान चेक करेंगे, फिर उसमें से जो बेस्ट प्राइस लगता है फिर वहां से परचेस करेंगे. तो कितना टाइम जाता है, एफर्ट जाता है, वो एफर्ट यहाँ पर विद इन अ क्लिक ऑफ अ माउस क्या हो जाता है, सेव हो जाता है कि नहीं. तो स्पीड आपको मिलता है. फिर क्या है, ग्लोबल एक्सेस, पूरी दुनिया में आपको जहां से गुड्स परचेस करना है आप परचेस कर सकते हो. आज अमेजोन यही कर रहा है, फ्लिपकार्ट यही कर रहा है. आपको ऐसे प्रोडक्ट जो इंडिया का इंडियन कंट्री में इंडिया में अवेलेबल नहीं है आप फॉरेन कंट्रीज से उसको क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो. इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज. On one hand, it allows the seller an access to the global market. On the other hand, it offers the freedom to the buyer to choose product from almost any part of the world. So buyer ke paas enormous amount of kya mil jate hain, options mil jate hain ki kahan se jahan se usko acha lagta hai wahan se wo purchase kare. No need of face to face interaction between buyer and seller. Seller aur buyer ke beech mein kabhi face to face interaction ki zarurat nahi padti hai. Theek hai? Movement towards a paperless society. धीरे धीरे हम paperless society की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. मतलब formalities, जो paper formalities हो जाती है वो बहुत कम होती है. Use of internet has considerably reduced the dependent on paperwork. Thus, recording and referencing of information has become easy. तो आप information को easily record कर सकते हो. paper में लिख कर रखने की, save करके रखने की इतनी जरूरत होती नहीं. गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है. द गवर्नमेंट प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सेटिंग अप ई बिजनेस. दिस सपोर्ट्स इंश्योर्स मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी. क्योंकि ई बिजनेस होगा ना तो सारी चीजें कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है. तो गवर्नमेंट भी इसमें क्या करता है, सपोर्ट करता है. और इजी पेमेंट सबसे बेस्ट है ना. कैश ऑन डिलीवरी है तो जैसे आपने डिलीवरी के पैसे मिल गए, फिर प्री पेमेंट है तो बायर पहले ही पैसे भेज देता है, आपको सिर्फ डिलीवरी करना रह जाता है. इंस्टॉलमेंट चाहिए, इंस्टॉलमेंट में होगा. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो. तो यहाँ पर पेमेंट बहुत इजी हो गया. द पेमेंट इन ई बिजनेस इज डन बाय क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर एटसेट्रा एंड इट इज अवेलेबल अराउंड द क्लॉक. कभी जब पेमेंट करना है आपको, ई वॉलेट से पेमेंट करना है, ई वॉलेट से पेमेंट करो, है कि नहीं. तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होती है. गेटिंग इट एवरीवन. हमने 8 पॉइंट कवर किए जिसमें सबसे पहला पॉइंट था इजी फॉर्मेशन. फॉर्मेशन बहुत ही आसान है. पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है. पॉइंट नंबर 3, कन्वीनियंट है. पॉइंट नंबर 4, स्पीडी है. पॉइंट नंबर 5, ग्लोबल एक्सेस मिलता है. कस्टमर ग्लोबली कहीं से भी गुड्स परचेस कर सकता है. मूवमेंट टुवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी. पेपर वर्क बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. गवर्नमेंट का सपोर्ट है एंड इजी पेमेंट फैसिलिटी इज अवेलेबल. तो ये ऐसे पॉइंट है ना कि आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो इजिली यू कैन राइट. इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बाहर करने वाली नॉर्मल सी चीज है. ई बिजनेस के बारे में आप फायदे के बारे में सोचेंगे तो ये 8 के 8 पॉइंट आपको याद आ जाए. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लिमिटेशन. क्या फायदे ही फायदे हैं, क्या कुछ नुकसान भी है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी है. तो हम अब यहाँ पर लिमिटेशंस देख रहे हैं कि ई बिजनेस का लिमिटेशन क्या है. ई बिजनेस डज हैव सर्टेन डिसएडवांटेज व्हेन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस. तो ट्रेडिशनल बिजनेस से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ डिसएडवांटेज भी हमको मिलते हैं. जैसे पहला, लैक ऑफ पर्सनल टच. पर्सनल टच की कमी हो जाती है. ई बिजनेस में सबको सब कुछ रिसर्च वगैरह है वो आपको ही करना होता है. भले इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है बट आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो वहां पर पर्सनल टच नहीं होता. ई बिजनेस लैक्स द पर्सनल टच. वन कैन नॉट टच और फील द प्रोडक्ट. आप प्रोडक्ट तो टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते. बेसिकली देखो ज्यादातर ये आप देखेंगे रेडीमेड गारमेंट्स जो होता है कि नहीं,
जैसे Myntra.com है, Flipkart.com है, ये क्या करते हैं, टी शर्ट है, ड्रेस मटेरियल है, ट्राउजर्स है, ये सब भी सेल करते हैं। तो कोई कोई कस्टमर कैसे होते, कोई कोई क्या, ज्यादातर कस्टमर होते ना, जब तक कपड़े को टच नहीं करें, फील नहीं करें, देखे नहीं, तब तक मजा नहीं आता। तो ये एक लैक उसमें हो जाता है कि आपने जो प्रोडक्ट सोचकर खरीदा था, और जब आप परचेस करते हो, कभी कभी वो प्रोडक्ट कैसा होता है, आपकी सोच के मुताबिक होता नहीं है। जो क्वालिटी आपने सोची थी, है ना, जैसे देखो बहुत बार आप ईयरफोन परचेस करते हो तो उसपे प्राइसिंग लिखा रहता है 800 रुपीज और आपको मिल रहा है 200 रुपीज में, और जब आप रियली परचेस करते हो तो उसका उतना क्वालिटी था ही नहीं 800 रुपीज वाला, है कि नहीं। तो यहां पर कभी कभी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच करता नहीं है। क्यों नहीं करता? बिकॉज वी लैक पर्सनल टच। वहां पर हम प्रोडक्ट को हाथ में लेकर के चेक करके उसका वजन देख करके बता सकते नहीं है। आपको सिर्फ फोटो दिखाई देगा, इमेजेस दिखाई देगा, तो इमेजेस तो ऐसे रोजी पिक्चर क्रिएट किया जाता है, उसको और अट्रैक्टिव बनाया जाता है। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, अभी देखो मिंत्रा वाला है तो क्या करता है, आपको बोलता है कि आपको जो ड्रेस मटेरियल चाहिए, आप 3-4 ड्रेस मटेरियल मंगाइए, उसमें से जो आपको पसंद आया वो रखिए, बाकी रिटर्न कर दीजिए। तो उसने इसका सोल्यूशन ऐसे निकाला, क्यों? क्योंकि पर्सनल टच क्या होता है, यहाँ पर नहीं मिल पाता है ना। और बाकी जो Amazon Flipkart वाले हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको 10 दिन की 15 दिन की रिटर्न गारंटी है, आपको पसंद नहीं आया प्रोडक्ट कोई बात नहीं, आप रिटर्न कर दीजिए विद इन 10 डेज। तो इसका ये सोल्यूशन है। तो भले यहाँ पर लिमिटेशन है, बट जो ई कॉमर्स है या ई बिजनेस है, उन्होंने हमको सोल्यूशन भी दिया है। पॉइंट नंबर टू, डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम, द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम। अभी कई बार देखिए आपको भूख लगी हुई है, आपने क्या किया, जोमेटो ऐप ओपन किया या स्विगी ऐप ओपन किया और ऑर्डर दिया, और उसमें लिखा रहता है कि ऑर्डर जब आपने प्लेस किया है तो उससे 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में आपका जो फूड ऑर्डर है वो आपको रिसीव हो जाएगा। बट कभी कभी इट टेक्स मोर देन एन आवर, एक घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाता है कि नहीं। तो डिलीवरी टाइम में कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इवन इन केस जो स्नैपडील वाले लोग हैं वो आपको डिलीवरी बताते हैं 15-20 दिन के बाद, एक महीने के बाद भी डिलीवरी करते हैं। लेकिन Amazon ने देखो कैसा किया है, Amazon आपको, अगर आप Amazon के प्राइम कस्टमर हैं तो विद इन अ डे, विद इन 24 आवर्स आपको गुड्स की डिलीवरी वो करके देता है। तो कहीं कहीं पे डिलीवरी टाइम अच्छा है, कहीं कहीं पे डिलीवरी टाइम पता ठीक है। द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक टाइम्स इन ट्रेडिशनल बिजनेस, यू गेट द प्रोडक्ट एज सून एज यू बाय। तो ट्रेडिशनल आप जब खुद जाकर के परचेस करते हैं तो तुरंत आपके हाथ में प्रोडक्ट आ जाता है, बट यहां पर क्या होता है, डिलीवरी आपको 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद कब मिलेगी, है ना, उसका कुछ श्योरिटी होता नहीं है। बट दैट डजंट हैपन इन ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में आपको वेट करना पड़ता है। दिस टाइम लैग ऑफन डिस्करेज कस्टमर, और इसकी वजह से कस्टमर कभी कभी प्रिफर करता है, अरे कौन वेट करेगा 1-2 दिन, है ना, डायरेक्टली जाओ शॉप से बाय करो। Amazon now assures one day delivery. देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, दिस इज एन इम्प्रूवमेंट बट डज नॉट रिजॉल्व द इशू कम्प्लीटली। तो एक इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन ऑन द स्पॉट डिलीवरी तो वो प्रोवाइड कर सकता नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। फिर सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी इशू आ जाता है। देर आर lot of people who scam through online business. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो online business के through क्या करते हैं, scam चलाते हैं। Also, it is easier for hackers to get your financial detail. और hacker को भी आपका financial detail, आपका debit card, credit card का number उसको मिल सकता है, ये बात leak हो सकती है। It has a few security and integrity issue. तो security problem होता है। कभी कभी देखो गलत नाम से वेबसाइट बना दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लिपकार्ट है ना, और मैंने एक नया वेबसाइट दूसरा फ्लिपकार्ट के नाम से बना दिया, और ज्यादातर सिंबल वगैरह सब सेम रखा है मैंने, और आपने ओरिजिनल फ्लिपकार्ट ओपन करने की जगह पे मेरा वाला फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया, प्रोडक्ट वगैरह देखा, आपने प्री पेमेंट कर दिया, 5,000 का पेमेंट कर दिया, और बाद में आपको प्रोडक्ट मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो फॉल्स किस्म का वेबसाइट बनाया हुआ था, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, या हैकर्स जो हैं वो आपके जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हैक कर लेते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी इश्यू इसके अंदर होता है।
दिस ऑल्सो कॉजेस डिस्टर्बेंस अमंग पोटेंशियल कस्टमर. तो इसकी वजह से भी बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं और ऑनलाइन बाइंग सेलिंग करना नहीं चाहते. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत होता है. समटाइम गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफेरेंस इन द बिजनेस. कभी कभी जो गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग होता है, चेकिंग होता है, वो बिजनेस को इंटरफियर कर सकता है. पॉइंट नंबर 5, हाई रिस्क. रिस्क बहुत ज्यादा है. हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज. पार्टीज के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है. इन द केस ऑफ फ्रॉड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेक लीगल एक्शन. अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, तो ये क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप उसके खिलाफ कोई केस दर्ज कर सको, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ये वेबसाइट एग्जैक्टली किसने बनाई, कहाँ की है ना. आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा तो जाकर के आपको ये लीगल एक्शन ले सकेंगे. तो ये हाईली रिस्की होता है. गेटिंग इट एवरीवन? तो कौन से 5 पॉइंट्स हमने फिनिश किए? पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ पर्सनल टच. पॉइंट नंबर 2, डिलीवरी टाइम. देयर इज अ गैप इन परचेसिंग एंड डिलीवरी टाइम. सिक्योरिटी इशू. आपका जो प्रोवाइडेड डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा, वो लीक हो सकता है, हैक हो सकता है. गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. गवर्नमेंट भी कभी कभी मॉनिटरिंग के नाम पे इंटरफियर कर सकती है. एंड हाई रिस्क इज इन्वॉल्व वाइल डूइंग बिजनेस विद दिस ई कॉमर्स ई बिजनेस वेबसाइट. ठीक है. सो हियर वी हैव डन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ई बिजनेस. उसके बारे में हमने एडवांटेजेस देखा, डिसएडवांटेजेस देखा. आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं. सो डन फॉर द डे. आज के एपिसोड में इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय. सायोनारा.